हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मनीष टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्टकट्स की के बारे में, जिसमें कंट्रोल की के साथ A to Z अल्फ़ाबेट्स का क्या यूजेस है, इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, किसी भी टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस किया जाता है। Ctrl+B बोल्ड, टेक्स्ट को मोटा करने के लिए Ctrl+B प्रेस किया जाता है। Ctrl+C कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस किया जाता है। Ctrl+D फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+D प्रेस किया जाता है। Ctrl+E सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E प्रेस किया जाता है। Ctrl+F फाइंड, लिखे हुए टेक्स्ट को खोजने के लिए Ctrl+F प्रेस किया जाता है। Ctrl+G फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, किसी विशेष पेज पे जाने के लिए Ctrl+G प्रेस किया जाता है। Ctrl+H गो टू, टेक्स्ट की गलतियों को सुधारने के लिए Ctrl+H प्रेस किया जाता है। Ctrl+I इटैलिक, टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए Ctrl+I प्रेस किया जाता है। Ctrl+J जस्टिफाई, टेक्स्ट को दोनों तरफ बराबर करने के लिए Ctrl+J प्रेस किया जाता है। Ctrl+K हाइपरलिंक, टेक्स्ट में लिंक ऐड करने के लिए Ctrl+K प्रेस किया जाता है। Ctrl+L लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए Ctrl+L प्रेस किया जाता है। Ctrl+M क्लियर फॉर्मेटिंग, Ctrl+N ओपन न्यू पेज ओपन करने के लिए Ctrl+N प्रेस किया जाता है। Ctrl+O ओपन ऑप्शन, सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस किया जाता है। Ctrl+P फॉर प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, Ctrl+Q एग्जिट, एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए Ctrl+Q प्रेस किया जाता है। Ctrl+R राइट अलाइन, टेक्स्ट को राइट साइड से लिखने के लिए Ctrl+R प्रेस किया जाता है। Ctrl+S किसी भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस किया जाता है। Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट, Ctrl+U अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U प्रेस किया जाता है। Ctrl+V पेस्ट, कॉपी या कट कर किए गए इमेज को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V प्रेस किया जाता है। Ctrl+W एक्टिव प्रोग्राम को बंद करने के लिए Ctrl+W प्रेस किया जाता है। Ctrl+X सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट व इमेज को कट करने के लिए Ctrl+X प्रेस किया जाता है। Ctrl+Y रेडो, अंडो किया गया टेक्स्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए Ctrl+Y प्रेस किया जाता है। Ctrl+Z अंडो करने के लिए Ctrl+Z प्रेस किया जाता है। तो आज का इस वीडियो कैसा रहा दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।